28 जुलाई को राखी सावंत ने मुंबई के होटल में गुपचुप शादी की थी। पहले सीक्रेट वेडिंग को राखी ने ब्राइडल फोटोशूट बताया था, फिर बाद में एनआरआई बिजनेसमैन से शादी करने का खुलासा कर सभी को चौंका दिया। राखी के पति का नाम रितेश है। राखी हनीमून और ब्राइडल फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर रही हैं, लेकिन अभी तक एक्ट्रेस ने पति का चेहरा दुनिया को नहीं दिखाया है। राखी सावंत ने पति को लाइमलाइट से दूर रखने की वजह बताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेरे पति को मीडिया पसंद नहीं है, उनको किसी के सामने आना नहीं था। शादी तो परिवार के बीच होता है, दुनिया को थोड़ी ना बुलाना होता है। इसके अलावा राखी ने एक दूसरे इंटरव्यू में पति के वर्क प्रोफाइल का भी जिक्र किया था। राखी ने कहा था कि उनके पति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी में काम करते हैं। राखी सावंत का कहना है कि पति उनके फैन है। बकौल राखी, मेरे हस्बैंड मेरे फैन है। हमने व्हाट्सएप पर चैट शुरू की थी और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ही प्रपोज किया था। ये व्हाट्सएप लव अफेयर मैरिज है। रितेश के पेरेंट्स और बहनें बहुत अच्छी हैं। मेरे पति मेरे लिए परमेश्वर हैं। पति से पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए राखी सावंत ने कहा था कि आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं शादी से 15 दिन पहले ही रितेश से पहली बार मिली थी। वो यहाँ आए और मुझे यकीन हो गया कि मैं सही लड़के से मिली हूँ। शादी के बाद राखी सावंत ने बेबी प्लानिंग भी कर ली है। राखी ने कहा कि वे 2020 में बेबी प्लान कर रही हैं।